हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BMW। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी, जो तुरंत बन जाता है। इसके लिए हमें चाहिए दो प्याज क्यूब्स में कटे हुए, एक शिमला मिर्च, एक प्याज मैंने बारीक काट लिया है, दो हरी मिर्च और टमाटर एक कटा हुआ, लहसुन दो तीन कली, नमक स्वाद अनुसार, दो चम्मच धनिया पाउडर, फ्रेश क्रीम ले लें, दो चम्मच हल्दी, कसूरी मेथी कश्मीरी लाल और खड़ा मसाला में ले लें तेज पत्ता, लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, काजू, जीरा और गरम मसाला ले लें। सबसे पहले हम लोग कढ़ाई को गरम कर लेंगे, उसमें तेल डाल लेंगे, फिर जो हम लोगों ने क्यूब्स में काट के रखे हैं शिमला मिर्च और प्याज को, उसको हम लोग हल्का भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। देखिए 2 मिनट फ्राई कर लें, फिर इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल के अलग रख लेंगे। एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, झटपट बन जाता है और टेस्टी भी लगता है। फिर सेम कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के प्याज डाल लें और जो हम लोगों ने रखा हुआ है टमाटर, काजू, लहसुन, हरी मिर्च, उसको डाल के अच्छे से भूंज लें। भूंज के इसको फ्राई करके इसको ठंडा कर लें और इसका पेस्ट बना लें। देखिए इसे भूंज लीजिए इसको अच्छे से, फिर इसको ऑफ करके इसको थोड़ा देर ठंडा होने दे दीजिए और फिर पीस के इसका पेस्ट बना लीजिए। फिर सेम कढ़ाई में तेल डाल लीजिए और जो हम लोगों ने खड़ा मसाला रखा हुआ है, तेज पत्ता, जीरा, इलायची, दालचीनी, वो डाल के 2 मिनट इसको भूंज लीजिए। फिर कश्मीरी लाल हल्दी डाल लीजिए। फिर जो हम लोगों ने पेस्ट बना के रखा है टमाटर प्याज का, वो डाल के 2 मिनट पका लीजिए उसको। फिर धनिया पाउडर 2 चम्मच डाल लीजिए। फिर नमक स्वाद अनुसार डाल के इसको 1 से 2 मिनट पकने दीजिए। फिर जो हम लोगों ने कैप्सिकम और प्याज को भूंज के रखा है उसको डाल लेंगे। फिर जो गरम मसाला है 1 चम्मच डाल के इसको 2 मिनट तक पकाएंगे और फ्रेश क्रीम भी डाल लेंगे। देखिए हमारा सब्जी तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगता है रोटी के साथ में। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल।